सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ नथिंग फोन 2 के, जिसके लिए मैं अभी आउटडोर लोकेशन पे आउट, संडे का दिन है, बट मुझे था कि जल्दी से जल्दी वीडियो आनी चाहिए। तो फाइनली नथिंग फोन 2 का कैमरा टेस्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो पीछे की साइड 2 कैमराज हैं, बहुत सिंपल रखा है। इट्स गुड कि ज़बरदस्ती 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग या मैक्रो कैमरा नहीं दिया। तो एक है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा है 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसको आप एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फ़ोन को 2 दिन अच्छे से ट्राई किया हमने और मुझे 3 सीरियस बग मिले हैं, जिस वजह से मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये अभी के टाइम पे एकदम सही चॉइस नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कैमरा से। सबसे पहले बात करते हैं शार्पनेस एंड डिटेल की। तो मुझे प्राइमरी कैमरा में काफ़ी बढ़िया डिटेल लगा, कंसिडरिंग कि जब आप इतना पैसा खर्च करते हो एक्सपेक्ट कि आपकी फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया आनी चाहिए, और नथिंग फोन 2 में वो चीज़ मुझे देखने को मिली। शार्पनेस बहुत अच्छी है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आई मुझे। कलर्स भी अच्छे बूस्टेड हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं है, ऐसे कलर्स हैं कि आप इसको डायरेक्टली फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और देखने में जो कलर्स हैं ना काफ़ी बढ़िया और वाइब्रेंट लगते हैं। और अगर आप ज़्यादा फोटोज़ ऐसी लेने वाले हो ना जहाँ पे स्काई काफ़ी ज़्यादा रहेगा, आर्किटेक्चर है, ट्रैवल फोटोज़ हैं, इवन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लेने वाले हो तो डायनामिक रेंज काफी बढ़िया आती है। तो अगर आपको ये लुक पसंद है, आप सैंपल्स देख सकते हो, देन इट्स गुड थिंग। बट अगर आपको कम कंट्रास्ट वाली फोटोज पसंद है जो आप खुद एडिट करना चाहते हो, तो वहां पे ये उतना सही ऑप्शन नहीं रहने वाला। बाकी अगर मैं बात करूं क्लोज फोकस डिस्टेंस की, तो मुझे काफी बढ़िया लगा। आप यहां कुछ फोटोज देखना जो थोड़ी पास से जाके फोटो ली हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेट मोड से फोटोज हैं, बिकॉज आप सब्जेक्ट के काफी पास जाके स्टैंडर्ड मोड में फोटो ले सकते हो, जहां आपको ब्लर इफेक्ट भी नेचुरल मिलेगा, एज डिटेक्शन भी नेचुरल आएगा, और ऑल ओवर जो आपकी फोटो है ना वो देखने में काफी वो DSLR वाली लुक दे दी है, जो काफी लोगों को चाहिए होती है। फिर अगर आपका क्वेश्चन है शटर लैग के बारे में, तो ऐसा शटर लैग नहीं है, आप स्टैंडर्ड में एंड अल्ट्रा वाइड में भी और बाकी मोड्स में भी काफ़ी फास्ट फोटोज़ ले सकते हो। बट एक बहुत सीरियस दिक्कत, और सबसे पहला जो बग मैंने नोटिस किया जब मैं पहले दिन शूट पे गया, दोपहर के 2 बज रहे थे, थोड़ी धूप थी, ओवरकास्ट था, धूप आ जा रही थी, और उस टाइम पे हुआ क्या मेरे साथ, मैंने कम से कम 20 से 25 फोटोज़ ली जो बहुत बढ़िया फोटोज़ आई थी, और जब मैंने गैलरी में जाके देखा वो फोटोज़ गायब थी। उसका रीज़न क्या था जो मुझे पता लगा अभी तक, कि फ़ोन हीट हो रहा था, जिस वजह से एक 2-3 फोटोज ली, उसके बाद वो फोटोज ले ही नहीं रहा था। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, और गैलरी में जाके मैंने देखा तो प्रोसेसिंग वाला आइकन घूम रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हीटिंग में ये इंटरनली प्रोसेसिंग नहीं कर पाता, जिस वजह से मुझे ना ऐप को फोर्स क्लोज करना पड़ रहा था बार बार। तो मुझे लगा फोटो ले रहा हूँ अपने आप सेव हो रही होगी, बट वो फोटो सेव नहीं हुई, तो मेरी फोटोज़ भी चली गई और मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है जो मुझे लगता है शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो सकती है। देन मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल, तो अगेन आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट हमने स्टैंडर्ड में ही फोटोज़ ली हैं, तो सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी कि सबसे पहले कलर शिफ्ट मुझे देखने को नहीं मिला, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड दोनों में ही बढ़िया कलर्स मेंटेन्ड है, तो ये चीज़ अच्छा है कि कलर साइंस ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ हो रहा है, सैचुरेशन भी आपको उतनी मिलेगी, कलर बूस्ट भी उतना मिलेगा। बट वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई है, तो अगर आपको कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद है तो आपको आउटपुट अच्छा लगेगा, बट मुझे थोड़ा हाई साइड पर कॉन्ट्रास्ट लगा। बट अदरवाइज डिटेल अच्छी हैं, शार्पनेस अच्छी हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा इसमें जो डिस्टॉर्शन है वो थोड़ा हाई साइड पर है, डिस्टॉर्शन बेटर हो सकता था। एंड इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है ना वो अल्ट्रा वाइड में काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली मैं देखता हूँ फोन्स हाईलाइट जहाँ ब्राइट पार्ट्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देता है, बट नथिंग फोन 2 में उसको अल्ट्रा वाइड में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया। ओके, तो अब मूव करते हैं 50 मेगापिक्सल मोड पे। तो एक चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, दोनों ही कैमरा में स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड में आपको 50 मेगापिक्सल के कैमराज मिल जाते हैं, तो यहाँ हमने कुछ सैम्पल्स लिए थे दोनों मोड में। पहले स्टैंडर्ड की मैं बात करता हूँ, ऑल ओवर मुझे बढ़िया आउटपुट लगा। आप अगर जूम करके फोटोज देखोगे, क्रॉप करना चाहते हो, तो आपको डिटेल अच्छी मिलेंगी, जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी अप्लाई हो रही है। तो 50 मेगापिक्सल वाला मोड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको लगता है कि कोई ऐसी फोटो है जहां आप पास नहीं जा सकते, तो आप 50 मेगापिक्सल में खींचो, बाद में एडिटिंग में उसको क्रॉप करके अब इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल में 50 मेगापिक्सल की, तो ये चीज़ अच्छा है कि आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बट होगा क्या अल्ट्रा वाइड में, क्योंकि सेंसर उतना बढ़िया नहीं है, तो कहीं ना कहीं शैडोज़ में हमें नॉइज़ देखने को मिली। तो जब आप जूम करके फोटोज़ देखोगे अल्ट्रा वाइड वाली, कहीं ना कहीं शैडो एरियाज़ में आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा, जो एक नेचुरल थिंग है बिकॉज सेंसर साइज़ इज़ नॉट दैट बिग। बट अदरवाइज
जो आउटपुट है इट्स गुड थिंग कि दोनों में आप 50 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते हो। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो इसमें कहीं बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, कहीं बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं कि जब मैंने पोर्ट्रेट फोटोज देखी, देख के बहुत बढ़िया शार्पनेस लगी, कलर्स बहुत अच्छे हैं, स्किन टोन भी बहुत बढ़िया आया। अगर आप यहाँ फोटोज में देखोगे नेचुरल स्किन टोन है, जैसे हमारी इंडियन स्किन्स होती हैं। इवन जो टेक्सचर एंड क्लैरिटी है ना, ना वो बहुत ज़्यादा ओवर शार्पन्ड है, ना स्मूदन्ड है, एकदम बढ़िया एग्जैक्ट आउटपुट जैसे आपको पोर्ट्रेट फोटो से चाहिए होता है वो आपको नथिंग फोन 2 से मिलेगा। इवन जो कलर्स हैं वो बहुत ही नेचुरल साइड पे हैं, जो देखने में काफ़ी प्लीजिंग लगता है। बट जहाँ मुझे दिक्कत आई वो है तीन मेजर पार्ट। सबसे पहला चीज जो मुझे यहाँ देखने को मिला वो है एज डिटेक्शन। मुझे इतना पैसा खर्च करने के बाद आई डोंट वॉन्ट टू गो विद दिस थिंग कि एज डिटेक्शन कहीं कहीं सिचुएशन में बढ़िया नहीं आ रहा। आप यहाँ सैंपल्स में देख सकते हो, कभी चश्मा अच्छे से नहीं आ रहा, बाल भी उतने अच्छे से ही एज डिटेक्ट नहीं कर रहा, देखने में नेचुरल नहीं लगता, ऐसे लगता है कि कटआउट हो गया, आपको फोटोज मिल रही हैं। तो एज डिटेक्शन पर्सनली मुझे बहुत मेजर सिचुएशन में ऐसा देखने को मिला कि बढ़िया से डिटेक्ट नहीं हो पा रही। शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो सकती है, नहीं हो सकती उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और वो मुझे बहुत मेजर इशू लगा, तो आज डे 2 है इस फोन को यूज़ करते हुए और जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जो मैंने कल अपडेट किया उसके बाद भी अभी मैंने ट्राई करा पोर्ट्रेट मोड में, जब हम टैप करके फोटो ले रहे हैं जब तक सेंटर में नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट है तभी फोकस ले रहा है, जैसे ही ऑफ सेंटर करते हैं टैप करके फोटो लेते हैं वो एकदम आउट ऑफ फोकस आ रही है। तो ये बग अभी भी है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी। ह्यूमन सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, बट जब मैं नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज ले रहा हूँ जैसे फ्लावर्स की, पत्तों की, या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, सेंटर में जब तक वो है तो ये फोन उसको फोकस में रखेगा। ऑफ सेंटर मतलब सेंटर से साइड में जब मैं रखूंगा, आप यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना, मैं टैप करके फोकस कर रहा हूँ ना उसके बाद भी स्क्रीन में फोकस में दिखा रहा है पर आउटपुट में वो फोटो आउट ऑफ फोकस आ रही है। तो ये बहुत सीरियस बग है क्योंकि फोटो खींचते हुए आपको लगेगा कि भाई फोटो तो बढ़िया आई है, आप खींच के कुछ और शूट करने लग जाओगे, घर आके आपको रियलाइज होगा कि वो जो पोर्ट्रेट मोड में फोटो है वो फोकस में आई ही नहीं है। बट प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती, आप ये भी कुछ सैंपल्स देखो पोर्ट्रेट के, मेरे ऊपर और आसपास देखना आपको बहुत अजीब सा स्पॉट दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का आपको एक बॉक्स दिखेगा, स्पेशली जहाँ पे हाईलाइट बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा है। और ये दिक्कत एक दो फोटो में नहीं है, हमने काफ़ी पोर्ट्रेट्स लिए और ये कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिला, तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है जो अभी पोर्ट्रेट मोड है। तो इस वजह से क्वालिटी बहुत अच्छी है, शार्पनेस बहुत अच्छे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेसिंग वाली दिक्कत है वो अभी इस फोन में प्रेजेंट है। बट एक दो दिन पहले ही इसमें एक अपडेट आया जहाँ पे मुझे नथिंग फोन 2 में अब 2x में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि अगर आपको पोर्ट्रेट लेना है ना 1x की जगह 2x में लेना, बिकॉज देखने में ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, शार्पनेस भी अच्छी है, एच डिटेक्शन बढ़िया है और ऑल ओवर जो आउटपुट आता है ना वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। सेल्फी की अगर हम बात करें तो मुझे ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया आउटपुट लगा, ऑनेस्टली मैं इंप्रेस्ड हूँ जैसा आपको आउटपुट मिलता है, क्योंकि ये ना बहुत नेचुरल है, कॉन्ट्रास्ट भी बहुत लाइट साइड पे है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, स्किन टोन मुझे लगा कि नथिंग फोन 2 बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, एंड जो शार्पनेस है फेस पे वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साइड पे है। इवन अगर आप पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज लोगे जैसे आप यहाँ सैंपल्स देख सकते हो, एच डिटेक्शन अच्छा है, ब्लर इफेक्ट काफ़ी नेचुरल लगता है और कहीं ना कहीं जो सेल्फीज हैं वो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल आउटपुट देती हैं। तो फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट फोटोग्राफी का, तो आउटपुट अच्छा है। बट पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी तक एज ऑफ नाउ देयर इज नो एक्स्ट्रा मोड, कुछ स्पेशल मोड नहीं है जो आप नाइट मोड के लिए यूज़ कर सकते हो, तो यू हैव टू रिलाई ऑटोमेटिकली जब ये फ़ोन डिटेक्ट करेगा कि लाइट कम है तभी एक्टिवेट होगा, जिस वजह से पहले मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करना चाहूँगा। जो आप यहाँ सैंपल्स देख रहे हो शार्पनेस बहुत अच्छी है कंसिडरिंग लो लाइट में इसने जो फोटोज़ ली हैं, बट नाइट मोड कभी कभार एक्टिवेट होगा कभी नहीं होगा, जिस वजह से आप फुली रिलाई नहीं कर सकते। जहाँ पे आप यहाँ देखना फोटोज़ में जो सब्जेक्ट है वो डार्क अपीयर हो रहे हैं, सराउंडिंग बहुत अच्छे से इसने कैप्चर किया, बट नाइट मोड क्योंकि किक इन नहीं हो रहा तो आपको उतना बढ़िया डायनामिक रेंज और एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। बट हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है एंड ऑल ओवर शार्पनेस अल्ट्रा वाइड में बढ़िया है। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा, नथिंग फोन 2 बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप अगर बहुत कम लाइट में भी हो ना, इसका जो नाइट मोड है वो बहुत अच्छे से हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है, एक्सपोजर लेके आता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप रात को नहीं बल्कि आप शाम के टाइम फोटो ले रहे हो, क्योंकि बहुत बढ़िया ये शैडोज़ में डिटेल लेके आता है, इवन जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ भी आर्टिफिशियली उसको ब्राइट करके बहुत बढ़िया आउटपुट दे देता है। तो अब फोटोग्राफी से वीडियो की तरफ चलते हैं, तो नथिंग फोन 2 में आप अप टू 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हो, विच इज़ अ स्टैंडर्ड इस बजट में। बट एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल में भी 4K 60fps शूट कर सकते हो, सैंपल्स में अभी आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं इस फोन से वीडियो शूट कर रहा था मुझे ये चीज़ सही लगी कि शूट करते हुए ही ना मैं अल्ट्रा वाइड से 1x पे जा सकता हूं, 2x पे जा सकता हूं। तो बेसिकली आप अल्ट्रा वाइड स्टैंडर्ड एंड टेलीफोटो में वीडियो शूट करते हुए स्विच कर सकते हो, जो एक काफी बढ़िया चीज है, अभी भी कहीं फोन्स में देखने को नहीं मिलता।
बात करें क्वालिटी की तो 4K में 60 FPS पे हमने कुछ सैंपल लिए थे यहाँ पे, ऑल ओवर क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव लगी, कलर्स बहुत अच्छे हैं। कॉन्ट्रास्ट बस मुझे थोड़ा सा हाई साइड पे लगा, वही चीज़ जो फोटो में थी कि जो डार्क पास है वो थोड़े डार्क अपीयर हो रहे हैं, बट अदरवाइज एक्सपोजर कंट्रोल बहुत अच्छा है। आप लाइट में जब स्विच हो गए ना, डार्क से ब्राइट पार्ट में जाओगे तो एक्सपोजर बहुत अच्छे से बहुत ग्रेजुअली शिफ्ट करता है। फोकस का मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला, तो ऑल ओवर वीडियो के लिए ये काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। तो अब ये वाला सैंपल मैं 4K स्टैंडर्ड पे शूट कर रहा हूँ 60 FPS पे। बाय द वे अगर आप सोचते हो कौन सी लोकेशन है जहाँ मैं आता हूँ, सुंदर नर्सरी है और यहाँ पे आपको सब पढ़ने को मिल जाएगा। बाय द वे फोकस अच्छा, फोकस बढ़िया है, मेरा हाथ जैसे ही आगे आ रहा है फोकस कर रहा है। तो एनीवेज ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देन आगे काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, तो इसीलिए मुझे पसंद है यहाँ पे शूट करने में आता हूँ। तो और आगे थोड़ा जाऊँगा, कुछ और सैंपल्स लेते हैं एंड देखते हैं आउटपुट। तो अब एक काम करते हैं, एक बार मैं फोकस टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ फोकस कर रहा हूँ और जैसे ही मैं फ्लावर पे लेके आता हूँ तो देखते हैं कितनी जल्दी ये फोकस कर पा रहा है। इट इज़ एक्चुअली क्वाइट फास्ट जितना अभी देखने में पता लग रहा है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि 4K 60 FPS पे बहुत इंप्रेसिव स्टेबलाइजेशन है। तो अभी ये हम 4K में वीडियो की टेस्टिंग कर रहे हैं, ये डे 2 है, पहले दिन सॉफ्टवेयर चेंज था, अपडेट आया तो मैंने वो अपडेट करके अब मैं हम कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम ये मायावती पार्क आए हैं जो नोएडा में है, काफ़ी लोगों को लगता है लखनऊ में है। तो एनीवेज ये एक वीडियो टेस्ट था 4K का, इसके अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो, अलग अलग रेजोल्यूशन और एक बार स्टेबलाइजेशन टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा आउट होता है। तो अभी हम 4K में इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर रहे हैं नए अपडेट आने के बाद, तो चेक करते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। इवन अगर मैं 4K 30 या 1080p पे भी आता हूँ तो आप यहाँ सैंपल्स देख सकते हो। चलते हुए मैंने काफ़ी सैंपल्स लिए हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, एंड ऑनेस्टली जो आउटपुट है इसका स्टेबलाइजेशन का वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है वीडियो के लिए नथिंग फोन 2 एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। तो एनीवेज ये मैं फ्रंट कैमरा से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ नथिंग फोन 2 के, और इसमें ना 1080p है, 4K का ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स माइनस पॉइंट। बिकॉज जब आप 45,000-40,000 खर्च करते हो एक फ़ोन में, यू एक्सपेक्ट कि फ्रंट में 4K होना चाहिए जो इस बजट में सारे फ़ोन्स में होता है, इसमें वो चीज़ मिसिंग है। सो ये मुझे पॉइंट आउट करना था। दूसरी चीज़, फ्रंट से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा मुझे एक ऑप्शन दिखा HDR का, जो अभी मैंने इनेबल किया हुआ है, तो एक बार मैं ऑफ करके देखता हूँ और आप लोग बताना कुछ फ़र्क आता है नहीं आता। तो अभी जो एक क्लिप है ये HDR ऑन के साथ है, तो ऊपर हाइलाइट्स भी हैं, शेडोज भी हैं, एक बार HDR ऑफ करके देखते हैं। तो मैंने HDR ऑफ कर दिया है, तो अगर कुछ फ़र्क आ रहा है आपको देखने को पता लग जाएगा। मैं जब स्टूडियो में जाऊँगा तो अच्छे से देखूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर अपने व्यू शेयर करूंगा। बट यहाँ पे भी वीडियो में एक बहुत मेजर बग है और वो है फ्रंट कैमरा में। तो यहाँ पे जब हम फ्रंट कैमरा से वीडियो ले रहे थे तो आप ये देखना बहुत ना अजीब चॉपी वीडियो आएगी बीच में अटक अटक के, और पहले मुझे ये लगा देखने पे कि शायद एडिटिंग में कुछ दिक्कत हुई है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले भी हमने जो क्लिप्स ली और बाद में भी ली, दोनों में ये दिक्कत आ रही है। तो या तो हीटिंग की वजह से है या ये कंसिस्टेंटली दिक्कत है, बट फ्रंट कैमरा पे भी आप फुली रिलाई नहीं कर सकते, कहीं क्लिप्स आपकी ख़राब हो सकती हैं जैसे हमारी हुई हैं। तो ये फ्रंट कैमरा में अभी भी बग है। तो अभी ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर चलते हैं। बाय द वे मैं 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड में, जस्ट टू सी कि कैसा आउटपुट आता है। तो अंदर ना थोड़ी लो लाइट सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या है कि अल्ट्रा वाइड में एक डायनामिक रेंज का भी टेस्ट हो जाएगा कि लाइक ब्राइट लाइट में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। अंदर पूरा अंधेरा है, बाहर लाइट है, तो अगर इस तरीके से देखें एक्सपोजर एडजस्टमेंट तो देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। अभी इस तरफ भी एक बार देखते हैं, हाँ सो एक्सपोजर अभी तक तो सही लग रहा है। बाकी इधर थोड़े फ़ोटोज़ भी लेता हूँ मैं एंड देखते हैं कि डायनामिक रेंज कैसा आता है। और ये जो एरिया है सुंदर नर्सरी का ना, मतलब यहाँ आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, तो फाउंटेन्स लगे हैं, कुछ कुछ बैठने की जगह बनी हुई है, आसपास पूरा ग्रीनरी है। सो अभी एक तो लाइक पूरे कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज रहे हैं जब मैं शूट कर रहा हूँ प्रॉपर धूप में। बट अगर आप कभी सनराइज या सनसेट के टाइम आते हो, इवन अभी आप देखोगे क्लाउड्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो सही है। बाकी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में सैंपल ले रहा था, ऑल ओवर अभी तक तो सही लग रहा है। बाकी एक बार मैक्रो फोटोज़ भी अब लेके देखते हैं।
सो ये था मेरा नथिंग फोन 2 का कैमरा टेस्ट, जो मैंने 2 दिन अच्छे से इसके साथ स्पेंड किए। ऑल ओवर स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड बहुत बढ़िया है, लो लाइट भी बहुत अच्छा आउटपुट है, वीडियो भी मुझे बढ़िया लगी। बट जो 3 मेजर बग्स मैंने हाईलाइट किए वो कहीं ना कहीं, अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ आपको अपने 45,000 खर्च करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी रुकना पड़ेगा, बिकॉज आप 1-2 और सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट कर सकते हो। अगर ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फोन। बाकी आपने सैंपल्स देखे, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताना। और हाँ, मुझे इसका कैमरा कंपैरिजन करना है तो आप कमेंट करके बताना कि इस फोन का कैमरा कंपैरिजन किस फोन के साथ किया जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।